एक बार इंद्र ने मेनका से विश्वामित्र का ध्यान भंग करने का अनुरोध किया। मेनका ने विश्वामित्र को आकर्षित किया, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मेनका ने शकुंतला को जन्म दिया और हिमालय की मालिनी नदी के पास छोड़ गई। कर्ण ऋषि ने शकुंतला को पाया और उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक दिन ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुंदर शकुंतला को देखा। दुष्यंत को उसके क्षत्रिय होने के बारे में पता चला। उन दोनों ने गंधर्व विवाह किया। राजा उससे सैनिक भेजकर अपने राज्य में ले जाएंगे वादा करके चले गए। शकुंतला ने भरत को जन्म दिया। बेटे को राजा दुष्यंत के पास ले आई। राजा ने अपने बेटे शकुंतला और शादी से भी अस्वीकार कर दिया। तब आकाशवाणी ने शकुंतला की सच्चाई की पुष्टि की। राजा ने शकुंतला से क्षमा मांगी। दुष्यंत ने भरत को राजकुमार घोषित किया और शकुंतला के साथ खुशी से रहने लगे।